नमस्कार, राशि डॉट कॉम राशि का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 345। आज हमारे साथ हैं विद्याधर जी ढुकिया, जो कि SFI से तहसील अध्यक्ष हैं। विद्याधर जी, साक्षात्कार समय निकालने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिस्क्लेमर ये है कि एक तो ये राशि डॉट कॉम की संपत्ति वीडियो, और एक बार लगाएंगे ऑनलाइन तो हटाएंगे नहीं, अपलोड करने बाद में एडिट जो है वो पहले होना जो हो जाएगा। दूसरा कि इसमें जो कुछ भी आपने कहा उसके लिए आप जिम्मेदार, हम सिर्फ एक माध्यम मात्र है। क्यों? तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक प्रश्नों में से, पारिवारिक परिचय से। बताएं परिवार मेरा में। नाम विद्याधर ढूकिया है। जी पिताजी का नाम श्रीमान शिव कुमार जी ढूकिया है। जी माताजी का नाम श्रीमती पताशी देवी है। जी और दादाजी का नाम श्रीमान ताराचंद जी ढूकिया। अच्छा, और दादी जी का नाम श्रीमती छोटी देवी है। जी। गांव का नाम? गांव का नाम खेड़ी ढूकिया, जो यहीं पास में। अच्छा, खेड़ी ढूकिया पूरा नाम। हाँ, अच्छा, बहन भाई कितने? आप बहन भाई दो है, एक बहन है। छोटी है? नहीं, बहन बड़ी है, उसकी शादी हो गई। अच्छा, तो आपका ननिहाल कौन सी जगह है? ननियाल नेचवा के पास डाड़ीमाना सी है। शिक्षा? शिक्षा मैंने SK कॉलेज से BA किया है, और अब यही नदमल तोदी BEd कॉलेज से BEd कर रहा हूँ। इस साल सेकेंड ईयर है। अच्छा। प्रिय गुरुजी, मेरे प्रिय गुरुजी, जब मैं गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उस समय थे नंदलाल जी, जो मेरे सबसे प्रिय गुरुजी थे। प्रिय प्रिय दोस्त दोस्त तो बहुत है, इतने है कि नाम भी नहीं बता सकता, लेकिन बचपन में एक गांव का था, वो अभी भी दोस्त ही है, जिसका नाम दशरथ है। अच्छा। और अभी जो दोस्त है दशरथ भी है, और एक दोस्त और है, वो है भरत शर्मा, जो यही डूडवा के है। तो अच्छा, प्रेरक आपके कौन है जीवन में, कोई महापुरुष हैं? महापुरुष तो मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, और उनके विचारों पे ही आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा झुकाव है। हाँ, कुछ अभिरुचियाँ पूछ ले, पहले बताएं खान पान में क्या अच्छा लगता है आपको? खान पान में तो बस यही जो घर का खाना होता है, वही, अच्छा। कोई ज्यादा नहीं। कोई विशेष फल? विशेष फल तो सेव अच्छा लगता है, सेव, फूल, फूल गुलाब का। गुलाब का। कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात क्या, बुरी बात थोड़ी है। नहीं बुरी नहीं है, लेकिन नहीं है कोई। अच्छा, मौसम? मौसम तो सर्दी भी नहीं हो, गर्मी भी नहीं हो, ऐसा मौसम हो। ज्योतिष में यकीन रखते हैं? नहीं लगते, सगुन अपशगुन मानते नहीं हैं? इसमें भी नहीं रुकते। अच्छा, खेल? हाँ, खेल क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट को देखता हूँ। खेल जब टाइम मिलता है तो गांव में खेलते भी हैं कभी। और साहित्य? हाँ, साहित्य में भी रुचि है, जब टाइम मिलता है तो उसको तो भी। किसको ज्यादा पढ़ते हैं? ज्यादा प्रेमचंद को। प्रेमचंद को। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अच्छा लगा है? प्रेमचंद का उपन्यास है, वैसे तो उपन्यास नहीं पढ़ा, जो किताबों में अच्छा पढ़ते हैं अच्छा वो भी अच्छे वो लगते हैं। अच्छा लगता है। तो फिल्मों में रुचि है? नहीं, फिल्मों में ज्यादा रुचि नहीं है। कोई पसंद आई ऐसा कुछ नहीं? नहीं, फिल्म देखी हुई है, फिल्म शोले सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। तो फिर हीरो कौन सा अच्छा लगता हीरो तो सनी देओल अच्छा लगता है? और है, हीरोइन? हीरोइन नहीं लगती कोई। नहीं लगते, लगते नहीं। घुमाई की है कहीं, घूमने गए, भ्रमण हाँ, किया है? घूमने गए, जम्मू कश्मीर गया हुआ हूँ एक बार, और दिल्ली भी संगठन के काम से 3-4 बार जाना हुआ है। उसके अच्छा। अलावा अजमेर भी गया हुआ हूँ कॉलेज से, और भी कई जगह गया हूँ राजस्थान में। तो संगठन कोई नारा? नारा, शिक्षा और संघर्ष शिक्षा और और संघर्ष। संघर्ष। अब आते हैं छात्र राजनीति में। छात्र राजनीति में शुरुआत कैसे हुई, किससे प्रेरित हुई ज्यादा? छात्र राजनीति में जब मैंने 12वीं पास की थी, उसके बाद SK कॉलेज में 2013 में एडमिशन लिया था। वहाँ पे मैंने देखा कि जो अलग अलग नाम से छात्र संगठन चलते थे, बहुत सारे थे, लेकिन विद्यार्थीत्व की बात करने वाला एकमात्र जो छात्र संगठन था वो SFI था। क्योंकि इसके बारे में ये भ्रम फैलाया जाता है कि ये गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो छात्र हितों के लिए लड़ते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निजी स्वार्थ के लिए वैसे लड़ाई दंगा ऐसे करते, भाई, लेकिन संगठन में ऐसा कोई बात नहीं होती है। मतलब जेब में भर के और काफी सारे आदमी, और ऐसा पाए जिंदाबाद से जोर से गले में नारे लगा जाए, मेरे से तो अंदर में घुस जाते हैं ना, घर में ना डर लगता है थोड़ा नहीं, ये सा। सिर्फ डर वाली बात नहीं है, हर किसी को मारते भी नहीं है। वो चुनाव में माहौल अच्छा, होता है तब नारे लगाते हैं, और संगठन इसकी इजाजत भी नहीं देता कि आप लड़ाई करो।
लेकिन कालांतर में कुछ तो घटनाएं हुई है ना। हाँ नहीं, वो कुछ होते हैं लोग जो अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, आपसी रंजिश आपसी ना। रंजिश, खुद की व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए न करते तो ऐसी कोई प्रेरणा होती है ना कोई साथ होता है नहीं, संगठन का। संगठन में ऐसा नहीं है, संगठन का एक संविधान है, 24 पेज का संविधान और कार्यक्रम, उसके हिसाब से चलता है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको लड़ाई करनी है, ऐसे करना तो है। अब वर्तमान में आपको तहसील स्तर पर अध्यक्ष बनाया है, हाँ, तो इसमें क्या क्या दायित्व है, आप क्या क्या कार्यवाही करनी पड़ती है? तहसील का मैं अध्यक्ष हूँ और मुझे जो संगठन जिम्मेदारी देता है, हमारे संगठन में जो संविधान और कार्यक्रम है उसके हिसाब से चलता है। यहाँ संगठन का अध्यक्ष कोई नियुक्त नहीं करता है, यहाँ पहले आपको सदस्यता बनानी होगी, खुद की खुद सदस्य बनना होगा और लोगों को भी सदस्य बनाना होगा। उसके बाद सम्मेलन होगा और उस सम्मेलन में कमेटी चुनी जाती है, और वो कमेटी अध्यक्ष और महासचिव और उस कमेटी का चुनाव करती है। इसमें पैसा या कोई धनबल बाहुबल काम करता है? नहीं, धन बल बाहुबल कुछ काम नहीं करता, जो संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है। किसी भी परिवार परिपृष्ठ में से होता हाँ, था, कोई गरीब भी हो हो, जाता कोई भी कितना भी होता गरीब हो, जो संघर्ष करेगा वो आगे ना। बढ़ेगा। कुछ पार्टियों पर चाहे टिकटों में पैसे लेने का आरोप है, होता है मतलब कि अधिकांश कुछ कुछ जगह होता है, कुछ कुछ कॉलेजों में, ऐसा कोई देखने में है आपके? नहीं, जैसा आपने सुना वैसा सुना हुआ है हमारा भी, कि जो अदर पार्टी है सपाई के अलावा, उनमें छात्र संघ चुनाव में जिसको टिकट दी जाती है उससे रुपए लिए जाते हैं, ऐसी बात सुनने में आती सुनने है। में। हाँ और ऐसा होता भी होगा, क्योंकि उनको व्यक्तिगत खर्चा होता है, वो करना पड़ता है और वो करते भी है, ये तो सत्य बात है, लेकिन ऐसे भाई में ऐसी बात नहीं है। तो भविष्य में चुनाव लड़ने की तैयारी है, मन में है, मंशा है कि भाई हम भी चुनाव नहीं, लड़े? खुद की कोई इच्छा नहीं है कि चुनाव लड़े, और अभी तो मैं बीएड कर रहा हूँ, मेरा एसके कॉलेज में एडमिशन भी नहीं है, और जब अगले साल से मैं एमए करूंगा, और संगठन की कुछ संगठन अगर चुनाव हाँ लड़ाता है हमारे, आपको तय खुद की करना नहीं ना। होती है, अच्छा अच्छा खुद की अच्छा कोई इच्छा नहीं होती है, और खुद की इच्छा है भी नहीं कि इस चुनाव लड़े। तो एसएफआई का जो भविष्य सुनहरा है, हाँ, ऐसे भाई का भविष्य सुना रहा है, क्योंकि ये छात्र हितों की बात करती है। क्योंकि कई कई जगह सिमटती है ना, सिमट जाती है वापस हाँ, दूसरे। कई वो ऐसी ताकतें हैं जो धनबल के धनबल से हरा देती है, अच्छा ऐसा कई होता कई है। कई जगह देखने को आरोप मिलता है कि जो छोटे मोटे छात्र जो से बच्चे होते हैं, जो मतलब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने वाले होते हैं, वो और अगर देर नहीं करते हैं, घूमना इधर उधर घूमना, बदमाशी करना नहीं करते हैं, उनमें उतनी ताकत भी नहीं होती है, ठीक है, लड़ने की। इक्के दुक्के होते हैं ना, वो संगठन एक ही नहीं करते हैं, अपने आते हैं पढ़ते हैं जाते हैं। ऐसे लड़कों को कई बार जो है वो धमकाते हैं कॉलेज के गेट के आसपास, अंदर कमरों में, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हमारे संगठन के लोग तो करते नहीं है, कोई अदर संगठन का करता है तो। कई बार ऐसा देखा गया है ना, जो बच्चे पढ़ाकू होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि भाई जाएं तो जाएं कहाँ। नहीं, वो एक माहौल ही है ऐसा, और कॉलेज में ऐसी बात नहीं होती है कि पढ़ने वाले को नहीं। ऐसे भाई का तो नारा ही शिक्षा और संघर्ष है, ऐसे भाई तो हर साल कॉलेज में इस बात के लिए लड़ती है कि रेगुलर क्लासें लगे, विद्यार्थी पढ़े। तो कोई भावी योजनाएं हैं कि भाई इस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना है और लोगों तक तो बात पहुंचानी है? संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि विद्यार्थी हितों की बात की जाए, विद्यार्थी को जोड़ा जाए और उनके जो हित है उनके लिए काम किया जाए। जैसे कॉलेजों में अनेक तरह की समस्या होती है। यहाँ आप जहाँ अभी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, भगवान दास तो कॉलेज हाँ, में, यहाँ तो कोई हैज नहीं ऐसा, नहीं, यहाँ चुनाव लेकिन चुनाव कुछ नहीं होते। फिर भी अगर बात की जाए तो यहाँ कोई समस्या है छात्रों को? हाँ नहीं, इस कॉलेज में ऐसी कोई समस्या नहीं है, सही है एकदम। जहाँ मैं बीएड करता हूँ उस कॉलेज में फाइन वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, यहाँ भी अच्छा माहौल है, रेगुलर क्लास भी लगती है, अच्छी पढ़ाई होती है। तो पूरा पूरा पढ़ाई का माहौल है। हाँ, पढ़ाई का एकदम बढ़िया माहौल है, और जो परसेंट की बात है वो भी अच्छे आते हैं इस कॉलेज में और जो पढ़ता है नगेंद्र वो। जी ये वास्तव में एक बहुत ही अच्छे संचालक हैं, मानना पड़ेगा ना। हाँ इन्होंने कॉलेज में बहुत अच्छा हाँ सुधार भी अच्छा, किया, ड्रेस कोड भी लागू किया है ना, और खुद भी अच्छे शिक्षा भी देना। बढ़िया। तो ये जो आजीविका भी आप चालू है आपकी? हाँ, आजीविका मैंने यहाँ ई मित्र कर रखा है, हिंदुस्तानी मित्र के नाम से, एक साथी है मेरा भरत शर्मा, वो कब और खोला था मैं, ये? इसको 6 महीने हो गए हमें। अच्छा चल रहा है, हाँ, अच्छा चल रहा है। चलो अच्छी बात है। अच्छा ये तो चलता रहेगा, अब राजनीति में आ गए आप, तो दो चार बातें और पूछ लेते हाँ, हैं। जरूर। अपनी जो राज्य की राजनीति है किधर जा रही है? राज्य की राजनीति की अगर बात की जाए तो इसमें यह है कि 5 साल बीजेपी आती है, 5 साल कांग्रेस रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा
लगता है आपको तीसरा हाँ मोर्चा आएगा कोई? लगता जरूर होगा, बदलाव होगा, कर्नाटक की तरह बदलाव होगा यहाँ तो पे। आपके माकपा आएगी कि वो हनुमान जी वो लग रहे हैं वो आएंगे नहीं ऐसी वो भी लग मिलकर रही मिलकर है। आएंगे? हाँ मिलकर आएंगे, वो कल उसका सम्मेलन भी था पार्टी का कार्यकर्ताओं का, और उसमें 5-6 संगठन उन्हें साझा संगठन बनाया है, मोर्चा मोर्चा बना। बनाया। अच्छा, हाँ तो इसका नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व तो तमाम पार्टियों के लोग करेंगे जो नहीं, साझा कुर्सी आएंगे। पर तो एक ही बैठेगा ना, हाँ कुर्सी पर एक बैठेगा, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा कितनी सीट किसकी आती है उसकी। वही पावरफुल होगा, प्रभावशाली वही होगा हाँ ना। लेकिन बदलाव होगा इस बार, ये जरूर अच्छी होगा। बात है, अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों पार्टी में सबक मिल सकता है हाँ कि भाई अगर काम नहीं करेंगे तो जगह नहीं है, सत्ता भी नहीं है। अपने जो जिला स्तर की राजनीति है, इस बार हमारे MLA साहब आए जो लोग बताते हैं इतने दमदार नहीं है, मतलब राम धाम की बात करें तो इतने सक्रिय नहीं है, ठीक है। जी अच्छा, तहसील स्तर के ऊपर देखें तो डोटासरा जी हैं, 10 साल से जमे हुए हैं, लोग कह रहे तीसरी बनाएंगे, ठीक है। तो अपने लक्ष्मण लक्ष्मणगढ़ में कोई बदलाव होगा? हाँ लक्ष्मणगढ़ में भी जरूर बदलाव होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी की मेन प्रॉब्लम यह है वो सरकारी महाविद्यालय है। डोटासरा जी पहले विधायक बने थे, तब उसकी सरकार भी थी, तब भी उन्होंने सरकारी कॉलेज के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और इन 5 सालों में भी उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किए कि लक्ष्मणगढ़ में सरकारी महाविद्यालय हो। तो इस बार लक्ष्मणगढ़ में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये लक्ष्मण की बात रही। अगर केंद्रीय राजनीति की बात करें तो आपका जो ये जो माकपा है ना, तो इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। देखिए, कोई त्रिपुरा में था ना, हाँ त्रिपुरा में और था, अब तो नहीं है ना, और केरल में है केरल में है अभी, कलकत्ता और कलकत्ता में चला गया, में चला। राजस्थान में इतना प्रभाव है नहीं, एक दो जगह है अपने तहसीलों में। तो अगर आपकी विचारधारा इतनी अच्छी है तो इतने सालों तक तो लोगों को क्यों नहीं मना पाए, क्यों नहीं घुस पाए उनके दिमाग में, क्यों नहीं वो जगह कर पाए आप उनके दिलों में कि भाई आप एक बार तो कम से कम पूरे भारत में छा जाएं? देखिए पहली बात तो मैं छात्र हूँ, अभी छात्र राजनीति कर रहा हूँ, माकपा के बारे में इतना नहीं जानता जितना मेरे को पता है। माकपा में क्या है कि एक वैचारिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला संगठन है, तो फिर फैल क्यों है? ये लोगों की सोच है, लोग धर्म जाति सेक्टर इस नाम में फंसे हुए हैं अभी उन्हें भी। वो प्रिय लगते हैं। हाँ तो वो धर्म के नाम पे जाति के नाम पे उनको ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ माकपा में मैंने देखा है कि धर्म जाति सेक्टर ये कुछ नहीं चलता, सभी को समान समझा जाता है। तो आपकी जो है कोलकाता में सरकार रही और त्रिपुरा में भी रही, हाँ तो कोई उल्लेखनीय कार्य किए वहाँ आपने कि उनको देख के लोग यहाँ आपको वोट दें? उल्लेखनीय कार्य तो त्रिपुरा में माणिक सरकार की सरकार थी, वो एकदम सादा जिंदगी जीते हाँ, ये तो बात मानने को देखने को मिली है, देखते हैं उनकी चित्र वगैरह फोटो। और अभी भी वो उसी तरह से जनता के बीच रहते हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी उन वहाँ कार्यकर्ताओं पे बीजेपी की सरकार है, वो हमले भी कर रही है, लेकिन वो उसका सामना कर रहे हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी से कुछ लोग परेशान हैं, कुछ क्या सारे परेशान हैं। बीजेपी वाले सोच रहे हैं हम आ जाएं, लेकिन बीजेपी का वहाँ को ग्राउंड वैसा नहीं है, ठीक है, पहले भी नहीं था, आपका था, तो लगता है आपको आप वापसी करेंगे वहाँ? हाँ वापसी जरूर करेंगे, क्यों जनता नहीं, दुखी है। जनता दुखी है ममता से भी वहीं भी। लक्ष्मणगढ़ में अगर बात करें तो मुख्य समस्या ये छात्रों को छोड़ के और कोई मुख्य समस्याएं नजर आती हैं जिनका तत्काल प्रभाव से समाधान हो जाना चाहिए? लक्ष्मणगढ़ में सबसे मुख्य समस्या अगर शहर की बात की जाए तो सड़कों की समस्या है, जब बारिश हो जाए तो यहाँ से निकल ही नहीं सकते, ऐसा माहौल बना दिया है कि उस रोड को फोड़ देते, इसको फोड़ देते, बनाते किसी को है नहीं। तो बाजार की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि सड़कों की हालत बहुत खराब है लक्ष्मणगढ़ में। पानी निकालने की निकासी की व्यवस्था नहीं हाँ है नहीं ना, है, रोडें मजबूत नहीं, अभी तक ना तोड़फोड़ कर रखी है सब जगह ना। नहीं तोड़फोड़ उस रोड की कर दी, दूसरी पहले उसको कंप्लीट तोड़े बाद में वापस बनाए, ये ऐसा नहीं है, उसको तोड़ दिया बीच में छोड़ दिया, दूसरी को तोड़ रहे, ये मैन तोदी रोड है इसको भी फोड़ रखा है। सफाई की भी व्यवस्था? सफाई की भी ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे लक्ष्मणगढ़। आपके हिसाब से एक आदर्श महाविद्यालय कैसा होना चाहिए? आदर्श महाविद्यालय जिसमें अच्छे पेड़ पौधे हो, तमाम अध्यापक हो, पढ़ाई का अच्छा माहौल हो, अच्छी प्रयोगशालाएं हो, अच्छी प्रयोगशाला हो, पढ़ने के लिए किताबें हो। महाविद्यालयों का दूसरे महाविद्यालयों से संपर्क हो, है ना, तो वहां भी उनको जो भेजते हैं ना साल में एक दो बार, है ना, तो चयनित विद्यार्थियों को भेजे तो उनके उनके पाठ्यक्रम का, उनकी बातों का भी पता चले, हाँ उनकी सही जगह का रहन सही सहन है। का, है ना। अच्छा, छात्रवृत्तियां भी हो, हाँ उनके प्रोग्राम छात्रवृत्ति भी हो, है मिले ना, तो अच्छा रहता खेल के है। बड़े बड़े ग्राउंड हाँ हो, है ना, और भी जो है वो मानसिक शारीरिक जो भी सपोर्ट हाँ ऐसे मिलना ही चाहिए वो होना मिले, है चाहिए। ना।
तो आपके जो दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, ठीक है, या आपसे जिनको उम्मीद है, आशा है कि भाई कुछ बड़ा नाम करेंगे, वैसे आपका सपना क्या है? सपना तो यही है, अभी तो बीएड कर रहा हूँ और पहला सपना तो यही है नौकरी वही लगना। मास्टर फौज, मास्टर फौज, ये हाँ दो यही हैं, है, 210 सपने यही ये है। राजस्थान के दो बड़े सपने हैं, मास्टर फौज। संदेश अच्छा, तो अपने चाहने वालों के नाम को संदेश। तो यही है कि आपको विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश है कि पढ़ाई के साथ साथ इस छात्र राजनीति में भी आपको सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि अगर छात्र राजनीति राजनीति हमारा भविष्य तय करती है तो विद्यार्थी को भी राजनीति को राजनीति तय करनी करनी। चाहिए, खुद की राजनीति तय करनी चाहिए, क्योंकि आज जो पाठ्यक्रम है वो सरकार तय करती है तो वो राजनीति के द्वारा ही होता है। अच्छा एक बात बताएं, मजाक मजाक के सवाल है कि शादी राजस्थान में, शादी आजीविका, शादी करते समय आजीविका और भारी पड़ती हैं दो चीज़ें, फौज और मास्टर की नौकरी। अगर आपकी फौज में और मास्टर की नौकरी नहीं है तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, बढ़िया लोगों को छोड़ दीजिए, उनकी बात अलग है, पैसे वालों की बात अलग है, तो शादी हो जाती है, हाँ इमित्र खोले की शादी हो नहीं होती शादी, तो ऐसी बात तो नहीं जाएगी है कि जो नौकरी लगते उनकी शादी होती है, जो नहीं लगते उनकी भी तो होती है ना, सब होती ऐसे ही थोड़ी है। है जो होती नौकरी है होती है बड़ी नौकरी तो मुश्किल, इस 5 सालों में कोई लगा ही नहीं है, तो इन तो वो पांच ऐसे ही थोड़ी है, शादियां तो बहुत आ ओहो रही थी हमारे हाँ तो। हाँ तो अच्छी बात है, आप इस जमाने में सौभाग्यशाली हैं, ठीक है, मजाक क्या सवाल था, नहीं हालांकि कोई दिक्कत नहीं, हालात ऐसे बदल रहे इसलिए सही है कह रहा हूँ सही। ना, क्योंकि मास्टर ऑफ फौज ये दो तो आधार स्तंभ है ना शादी सही के बात, लिए। ठीक है, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी है, बहुत बहुत और धन्यवाद। ये आशा करूँगा कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ठीक है, राजनीति ठीक में भी और आजीविका में, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।